नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत में एक बनाए गए नए कीर्तिमान के संदर्भ में, और साथ ही साथ उस कीर्तिमान के समय में जो कुछ नए कानून उत्तर प्रदेश में पास हुए हैं, कुछ नए संशोधन, कुछ नए विधेयक पास किए गए हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप तक सीधे पहुँचती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, और साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर करिए ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आइए बिना विलंब किए विषय प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के विधानसभा के मानसून सत्र में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री दोनों लोगों की मंत्रणा के बाद यह घोषित किया गया था कि यह जो 22 सितंबर है, इस दिन सदन पूरी तरीके से मातृशक्ति को समर्पित होगा। यानी कि जो 47 महिला विधायक चुन करके आई हैं सदन में, ये सारी कार्रवाई उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड रहेगी, और जो भी विषय रखा जाएगा उन्हीं के द्वारा रखा जाएगा, और जो भी प्रपोजल रखा जाएगा उन्हीं के द्वारा रखा जाएगा, और जो भी कानून पास किए जाएंगे वो उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए पास किए जाएंगे। तो उस दिन सारी जो मातृशक्ति थी, जो माताएँ बहनें विधायक अपने क्षेत्र से चुनी गई थी और चुन करके सदन तक पहुंची थी, उन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को उठाया, कहीं कॉलेज बनाने के लिए, कहीं सड़क बनाने के लिए, कहीं अन्य अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, पिंक चौकी के लिए, महिला कांस्टेबल्स के लिए, महिला अध्यापकों की भर्ती के लिए, तमाम अपने अपने तरीके से विषय उठाए गए उसमें। लेकिन इसी मानसून सत्र में उसी दिन 3 अलग अलग विधेयक भी पास किए गए उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा, तो उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2022 UP। उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसमें संशोधन के बाद यह कह दिया गया है कि जो धारा 354, धारा 376, धारा 326, धारा 498A, धारा 304B, ये कुछ ऐसे अपराध हैं जो महिलाओं से संबंधित घृणित अपराधों की श्रेणी में आते हैं, बड़े अपराधों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधों के लिए धारा 438 CRPC, अपने सेक्शन 438 CRPC जो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविजंस करता है, वहाँ पर संशोधन करते हुए यह जोड़ दिया गया है कि जो जो महिला से संबंधित घृणित मामले हैं, बड़े मामले हैं, उनमें अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया गया है। इससे ये कहा गया है कि इससे दो फायदे होंगे, एक तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और लोगों के मन में भय उत्पन्न होगा ऐसे अपराधों को करने से पूर्व, और दूसरा जो लॉ में सहायक होगा वो ये होगा कि ऐसे लोग अगर बेल पर बाहर रहते हैं या पहले एंटीसिपेटरी बेल इनको मिल जाती है तो वे जो सबूतों को, साक्ष्यों को और साक्षियों को तोड़ मरोड़ देते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, ये करने में भी वो सक्षम नहीं हो पाएंगे, जिससे जो फैक्ट है, जो सत्य है, वो सीधे सीधे कोर्ट को प्राप्त हो जाएगा। तो इससे लॉ जो इन्फोर्समेंट है उसमें भी काफ़ी सहायता मिलेगी, और जो जस्टिस, सही व्यक्ति को सही समय से सही न्याय मिले, इसमें भी एक जो नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है उसको भी सही करने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो आप यह जानते रहिए कि जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले जो जितने भी हैं, और साथ ही साथ जो मैंने आपको सेक्शंस बताए, सेक्शन 326, सेक्शन 354, सेक्शन 376, सेक्शन 304B और सेक्शन 498A, ऐसे कुछ जो विशेष अपराध हैं, इन सभी विशेष अपराधों में, और साथ ही साथ एक सेक्शन छूट गया था 361 और 363 जो एबडक्शन और किडनैपिंग की बात करता है, इसमें भी जो है एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस को समाप्त किया गया, क्योंकि ये भी बड़े अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो आप ये जानते रहिए कि महिलाओं से संबंधित जो घृणित अपराध हैं उनमें उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल के सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है, और अब ऐसे मामलों में जो अपराधी है उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश लोकपाल विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। अब उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही जो लोकपाल के लिए अन्ना हजारे बहुत दिनों से आंदोलनरत थे, अब लोकपाल की तैनाती शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में हो जाएगी।
और साथ ही साथ एक और विधेयक उसमें पास किया गया है, वो है निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि अगर किसी प्रकार का कोई आंदोलन हो रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस विरोध प्रदर्शन की आड़ में अगर कोई व्यक्ति कोई निजी संपत्ति या कोई लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो निश्चित तौर से यह सरकार की हानि है। तो ऐसी हानि उस व्यक्ति को चिन्हित करके उससे वसूली जाएगी और उसको सजा, उसको जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, साथ ही साथ उसको कुछ सज़ा भी दी जाएगी ताकि ऐसा करने से लोगों के मन में भय उत्पन्न हो सके। तो आप यह भी जानिए कि उत्तर प्रदेश में अगर आप कहीं भी लाफुल्ली विधिपूर्वक कहीं धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उस प्रदर्शन के दौरान आप किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति को क्षति पहुँचाते हैं, और आप उस संपत्ति को क्षति पहुँचाते समय अगर आप चिन्हित कर लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर से ऐसी रिकवरी सरकार द्वारा आपसे की जाएगी। और निश्चित तौर से हमें इन जो ये रिकवरी के लिए ये कानून बनाया गया है, इस तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी, जो सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि वो मातृशक्ति से समर्पित वो सदन का दिन था, तो ऐसे में ये कानून भी काफ़ी स्वागत योग्य है। तो ये तीन नए लॉ 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश में इन्फोर्स हो रहे हैं, तो आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि ये तीन लॉ भारत में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। पहला CRPC में अमेंडमेंट है जो महिला संबंधित अपराधों में एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजंस को समाप्त करता है। दूसरा लोकपाल अधिनियम को पास किया गया है। और तीसरा जो कि महत्वपूर्ण है, वो किसी संपत्ति को क्षति अगर आप पहुंचाते हैं तो उसकी रिकवरी आपसे की जाएगी, इसका प्रोविजंस किया गया है। धन्यवाद।